आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। आपने इस क्रेडिट कार्ड में दो क्रेडिट कार्ड देखे होंगे, एक तो अश्व और एक मयूर। मैं बात करने वाला हूँ पर्टिकुलरली अश्व क्रेडिट कार्ड की, जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, अश्व मतलब घोड़ा। अब इस क्रेडिट कार्ड की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी होगी, अपन इस वीडियो में सारी डिटेल में बात करेंगे विद चार्जेस क्या हैं, क्योंकि कहीं बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे जहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं, जो रिवॉर्ड पॉइंट की कहीं बात नहीं कहेगी, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट का स्ट्रक्चर भी बहुत वीक है। तो सारी बातें इस वीडियो में करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं लॉन्च ऑफर की। एक क्रेडिट कार्ड भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसमें आपको अगर 31 अगस्त 2024 से पहले अप्लाई करते हैं तो आपको बोनस रिवॉर्ड पॉइंट 5000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। आपको ज्वाइनिंग फी पे कर देनी है और 31 अगस्त से पहले क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आपको 5000 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। वेलकम बेनिफिट में अगर आप कार्ड मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर 2000 रुपये तक का कैशबैक कमाना चाहते हैं तो आपको पहले 4 ट्रांजेक्शन करने हैं 500 रुपये के अबोव गए तो आपको हर ट्रांजेक्शन जो 500 रुपये के अबोव का है तो 500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। टोटल 4 बार मिलेगा, चारों ट्रांजेक्शन 500 रुपये के अबोव होने चाहिए तो टोटल मिला के आपको 2000 रुपये का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। मूवी टिकट बेनिफिट का बात करूँ तो बाय वन गेट वन मूवी टिकट का ऑफर देखने को मिलेगा बुक माय शो पे। आपको एक टिकट पे एक टिकट बुक करना है, मतलब दो टिकट एक साथ बुक करना है तो सेकेंड टिकट पे 400 रुपये तक का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। दोनों टिकट बुक करोगे तो आपको एक टिकट फ्री में मिल जाएगी जो 400 रुपये तक का, उसके अबोव का आपको पेमेंट खुद करना पड़ेगा। ये ऑफर आप मंथ में 2 बार ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में फ्री ट्रिप कैंसिलेशन का भी बेनिफिट मिलता है। अब फ्री ट्रिप कैंसिलेशन कवर है, उसमें क्या होता है कि आप किसी भी रीजन से आपकी जो फ्लाइट या होटल बुकिंग का कैंसिलेशन करते हैं तो आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा अप टू 25,000, जो साल में 2 बार आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 20,000 रुपये के नीचे स्पेंड करते हैं स्टेटमेंट साइकिल में तो आपको 150 रुपये की स्पेंडिंग पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अगर 20,000 से ऊपर का स्पेंडिंग कर लेते हैं तो इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग है, वहाँ पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे 150 रुपये की स्पेंडिंग पे। 3 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे एजुकेशन, वॉलेट लोड, गवर्नमेंट सर्विस, रेंट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पे 3 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे 150 रुपये की स्पेंडिंग पे। 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा आप 150 रुपये स्पेंड करते हैं यूटिलिटी और इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन पे। एजुकेशन, वॉलेट, गवर्नमेंट फीस, रेंट, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, जो सारी कैटेगरी पे कोई स्पेंडिंग करते हैं वो 20,000 की स्पेंडिंग क्राइटेरिया है वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। जो सारी अदर कैटेगरी बचती है वहाँ पे आप स्पेंडिंग करते हैं 150 रुपये तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। माइलस्टोन बेनिफिट की बात करूँ, 8,00,000 रुपये स्पेंड करते हैं एनिवर्सरी ईयर में तो आपको 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगे एज अ माइलस्टोन बेनिफिट। एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की बात करूँ तो 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस विजिट मिलेगी 1 क्वार्टर में, उसमें आप स्पा भी कर सकते हैं यूज़ एज ए एयरपोर्ट टर्मिनल पे अगर इंडिया में है तो। 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करने को मिलेंगे 1 क्वार्टर में। जो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के बेनिफिट और स्पा के जो बेनिफिट है वो 20,000 रुपये स्पेंड करते हैं 1 कैलेंडर मंथ में प्रीवियस में, तो नेक्स्ट कैलेंडर मंथ में आपको ये सारे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड आता है जिसमें आपको हायर फी पे करनी पड़ती है, फिर भी वहाँ पे कैपिंग लगाई जाती है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करने पे, तो ये क्रेडिट कार्ड मेरे को अभी से कुछ ठीक ठाक ढंग का नहीं लग रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन की वैल्यू की बात करें तो बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट दिखाती है 5x 10x 3x, बट एक रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे मिलने वाले। प्रीमियम कैटेगरी का कार्ड प्रीमियम फीस पे करनी है और 25 पैसे का रिवॉर्ड पॉइंट। एक्स रिवॉर्ड पॉइंट गिनते हैं तो भी आपको 2.5 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट मिलता है, तो बहुत ही खराब रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। गोल्फ लेशन और गोल्फ राउंड भी मिलेंगे जहाँ पे आपको 20,000 और 40,000 रुपये स्पेंड करने हैं मंथ में, तो आपको गोल्फ लेशन और गोल्फ राउंड भी खेलने को मिलेंगे, वहाँ पे भी स्पेंडिंग क्राइटेरिया। एक प्रीमियम कैटेगरी का कार्ड जिसमें लॉन्च एक्सेस है बट बेनिफिट के लिए कैपिंग है, गोल्फ का बेनिफिट है वहाँ पे भी कैपिंग है। रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर है तो बहुत ही वीक है, बहुत ही खराब रिवॉर्ड वैल्यू मिलनी है। तो बहुत सारे वीडियो आपने देखेंगे वहाँ पे हाई हाइप बना दिया कि मेटल ग्रेड कार्ड, सस्ता मेटल ग्रेड कार्ड, 3000 में सिर्फ मेटल ग्रेड कार्ड मिल रहा है इंडिया में, अच्छे बेनिफिट मिल रहे, ट्रैवल कैटेगरी का कार्ड है। बट देखो तो भाई, रिवॉर्ड पॉइंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। 25 पैसा रिवॉर्ड पॉइंट की, इससे अच्छा बहुत सारे कैशबैक क्रेडिट कार्ड हैं इंडिया में
जो 1% का रिवॉर्ड पॉइंट एटलीस्ट देते हैं, जो 500 रुपए की ज्वाइनिंग फीस या लाइफ टाइम फ्री के साथ आते हैं, जगह कैपिंग है, फीस ज्यादा है। और फीस की बात करो, ज्वाइनिंग फीस 3,000 प्लस टैक्सेस ज्वाइनिंग फीस है, और 2,999 प्लस एनुअल फीस आपको पे करनी है, और एनुअल फीस रिव्यूअर का कोई ऑप्शन नहीं है। ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं, 2,000 के वाउचर मिलते हैं, तो भी आपको 1,000 प्लस टैक्सेस तो पे करना ही है, और एनुअल फीस को रिव्यूअर का तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड, ठीक ठाक भी नहीं, एक एवरेज क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं, जो हैवी ज्वाइनिंग फीस के साथ आता है। सिर्फ नाम क्रेडिट कार्ड अश्व मेटल क्रेडिट कार्ड के साथ आता है, बट ओवरऑल एक क्रेडिट कार्ड मेरे को अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपकी सच्ची राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।